दोस्तों आज के समय में नौकरी करना आसान नहीं है। टारगेट्स को पूरा करने में कई बार इतना प्रेशर बढ़ जाता है कि इंसान खुद में हताश हो जाता है और बोझ की तरह से नौकरी को ढोता है। इसके अलावा नौकरी की सैलरी से आप सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। लग्जरी लाइफ सिर्फ नौकरी करने से नहीं मिल सकती। यही वजह है कि आज के समय में लोगों का रुझान बिजनेस की ओर ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन बिजनेस में आपको अपनी पूंजी को इन्वेस्ट करना पड़ता है। किसी को देखकर या किसी की बातों में आकर बिजनेस नहीं करना चाहिए। कई लोग अपने स्टार्टअप खोलते हैं तो कुछ छोटे व्यवसाय या व्यापार की शुरुआत करते हैं। एक सफल व्यापारी बनने के लिए चाणक्य ने कई बातों का जिक्र किया है। अपने बिजनेस को बुलंदियों तक पहुँचाना चाहते हो तो आचार्य चाणक्य की इन बातों को अनदेखा कभी ना करें। ये नीतियाँ आपको व्यवसाय के मामले में बहुत लाभकारी साबित होंगी। जब आपको खुद लगे कि आप बेहतर तरीके से बिजनेस को संभालने में सक्षम हैं, तो इसके बारे में सोचें ताकि बाद में किसी तरह का पछतावा ना हो। अगर आपने बिजनेस करने का पूरा मन बना लिया है तो आचार्य चाणक्य की इन 5 बातों का ध्यान जरूर रखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है रिसर्च। चाणक्य कहते हैं कि बिजनेस शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी तरह रिसर्च कर लेनी चाहिए। कितना निवेश करना है, पहले से मौजूद प्रतिद्वंदियों की जानकारी, नुकसान की भरपाई की रणनीति और इसी तरह की बाकी बातें। अधूरी जानकारी के साथ व्यापार शुरू करने में फायदा तो दूर, हमेशा घाटा ही झेलना पड़ सकता है। अक्सर कई व्यापारी अपने प्रतिद्वंदी को देखकर अपनी नीतियों में भी बदलाव करने की सोचते हैं, जो कि एक तरीके से सही भी है, लेकिन इसे लागू करने से पहले पूरे मार्केट की रिसर्च जरूर कर लेनी चाहिए। नई नीति से कितना फायदा होगा, कितना नुकसान, बाकियों के मुकाबले कैसे आप जनता की नजर में दूसरों से अलग छवि बना पाएंगे, इन सब चीजों की जानकारी व्यक्ति को व्यापार में नुकसान होने से बचाती है। दूसरी बात है अनुशासन। चाणक्य नीति कहती है कि सफलता की दिशा में पहला कदम कठोर परिश्रम और अनुशासन है। अनुशासन से ही परिश्रम का सार्थक फल प्राप्त होता है। काम के प्रति ईमानदार रहें। खुद के अलावा साथ काम कर रहे सहयोगियों में भी अनुशासन की भावना होना जरूरी है, क्योंकि व्यापार में कामयाबी अकेले नहीं मिलती। पूरी टीम का साथ और सभी को अनुशासित होना जरूरी होता है। तीसरी बात आचार्य चाणक्य कहते हैं वाणी। दोस्तों व्यापार में वही लोग तरक्की कर पाते हैं जो कुशल व्यवहार वाला होने के साथ साथ अच्छा वक्ता हो। वाणी में जितनी मधुरता होगी व्यापार उतना ही फले फूलेगा। मेहनत के साथ बातचीत करना भी कामयाबी का जरिया है। वाणी आपका काम बना और बिगाड़ सकती है। वहीं एक कुशल व्यापारी को हमेशा अपने संबंधों को लेकर सतर्क रहना चाहिए। बोली से संबंध खराब हो सकते हैं, इसलिए वाणी को संयमित रखें। चौथी बात है जोखिम का साहस। दोस्तों ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहां जोखिम नहीं। व्यापार में घाटे से कभी घबराए नहीं। ऐसे वक्त में कई नकारात्मक विचार पैदा होंगे, इन्हें खुद पर हावी ना होने दें। खुद पर विश्वास करें और पूरी शिद्दत से नुकसान को मुनाफे में बदलने की रणनीति तैयार करें। और साथ ही नकारात्मक लोगों की बातों पर ध्यान ना दें। आचार्य का मानना था कि जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो शुरुआत में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपका मनोबल गिराने की बात कहेंगे। ऐसे नकारात्मक लोगों की बात पर ध्यान ना दें। अगर आपको विश्वास है कि आप अपना काम अच्छी तरह कर रहे हैं और आप सफल जरूर होंगे, तो काम को पूरी शिद्दत से करते रहें। और आखिरी बात और सबसे जरूरी बात कि दूसरों को भनक ना लगने दें। अगर आप कोई नया काम शुरू करने वाले हैं तो दूसरों को इस बात की भनक भी ना लगने दें, ना ही अपनी प्लानिंग को दूसरों से शेयर करें। आपसे द्वेष रखने वाले भी तमाम लोग होते हैं जो आपके काम में बाधा डालने का प्रयास करेंगे। इसलिए इन 6 बातों को हमेशा याद रखें, तभी ये आपके बिजनेस में और व्यवसाय में आपको प्रॉफिट दिलवा सकती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे अपने करीबियों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग ऑफ।